हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्कबुक क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट नंबर 4 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने वर्कशीट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का सॉल्यूशन देखा था और बेसलाइन असेसमेंट देखा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम देखने वाले हैं वर्कशीट 4 का सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं को देखकर बताएं कि संख्याओं में क्या अंतर है। यहाँ कुछ संख्याएं दे रखी हैं जिनके अंतर हमें बताना है। यहाँ संख्या है कै में 742 माइनस 227, तो यहाँ हमें इसे क्या करना है, सबट्रैक्ट यानी घटाना है। तो यहाँ अंतर बचेगा हमारे पास 515। खै है 848 माइनस 828, तो यहाँ अंतर बचेगा 20। गै है 4906 माइनस 1609, तो हम जब इस संख्या को अंतर निकालेंगे तो यहाँ अंतर निकलेगा 3297। घय है 4211 माइनस 2021, यहाँ जब संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो अंतर निकलेगा 2190। सेकेंड क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में सैकड़ा व इकाई पर लिखे अंकों को आपस में बदलकर नई संख्या बनाएं, नई संख्या व मूल संख्या का अंतर भी बताएं। हमें क्या करना है, जो सैकड़ा पे दे रखी है उसे इकाई में लिखना है और जो इकाई की संख्या है उसे सैकड़ा में लिखना है। जैसे क्या देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 452, यहाँ सैकड़ा पे है 4 और इकाई पे है 2, तो हम क्या करेंगे, 2 को सैकड़ा पे लिखेंगे और 4 को लिखेंगे इकाई पे, तो संख्या हो जाएगी हमारी नई संख्या 254। यहाँ हमें संख्या का अंतर भी बताना है, नई संख्या और मूल संख्या का, तो यहाँ जब इसे अंतर निकालेंगे तो यहाँ अंतर निकलेगा 198। 452 में से 254 को घटाने पे अंतर निकलेगा 198। खै है मूल संख्या 903, यहाँ इकाई पे है 3 और सैकड़ा पे है 9, हमें क्या करना है, चेंज कर देना है, 9 को लिखेंगे इकाई पे और 3 को लिखेंगे सैकड़ा पे, नई संख्या हमें मिलेगी 309। अब निकालेंगे इनका अंतर जो कि निकलेगा 594। गै है 2751 मूल संख्या है, यहाँ इकाई पे है, यहाँ सैकड़ा पे है 7 और इकाई पे है 1, तो हमें क्या कर देना है, संख्या को चेंज कर देना है, 7 की जगह 1 लिखेंगे और 1 की जगह लिखेंगे 7, तो नई संख्या हो जाएगी 2157। यहाँ अंतर निकलेगा, जब हम 2751 में से 2157 को घटाएंगे तो अंतर निकल जाएगा 594। घय है 37012, तो यहाँ इकाई पे संख्या है 2 और सैकड़ा पे है 0, तो हम 0 को लिख देंगे इकाई पे और 2 को लिख देंगे सैकड़ा की जगह पे, तो नई संख्या निकलेगी 37210। यहाँ अंतर निकालेंगे तो अंतर निकलेगा 198। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि संख्या 929 के सैकड़ा व इकाई के अंकों आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या बनेगी। तो यहाँ 929 की संख्या को अगर सैकड़ा व इकाई के अंकों परस्पर बदल दे तो कौन सी संख्या बनेगी, यहाँ बताना है। तो यहाँ 929 है, यहाँ सैकड़ा पे है 9 और इकाई पे है 9, तो क्या बनेगी संख्या, 929 ही बनेगी। खै है संख्या 711 की दहाई व इकाई के अंकों आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या बनेगी। तो यहाँ 711 में अगर हम इकाई के अंक को बदल दे दहाई से और दहाई के अंक को इकाई से बदल दे तो यहाँ 711 ही बचेगा, तो यहाँ संख्या कौन सी बनेगी, 711। फोर्थ है क्वेश्चन, 4, 8, 9, 7, 6 अंकों से ऐसी 5 अंकीय संख्या बनाए जिसमें इकाई के स्थान पर 9 और सैकड़ा के स्थान पर 4 हो। तो यहाँ हमें दी गई संख्याओं से 5 अंकीय संख्या बनानी है जिसमें हमें ध्यान रखना है कि इकाई पे क्या आना चाहिए, 9 ही आना चाहिए और सैकड़ा पे आना चाहिए 4। तो हम क्या करेंगे कि 9 और 4 को लिख देंगे उनकी जगह पे और संख्या बना देंगे 8, 6, 4, 7, 9, क्या बन जाएगी हमारी संख्या टोटली 86479। फिफ्थ क्वेश्चन है, 3, 4, 1, 2, 7 अंकों से ऐसी 5 अंकीय संख्या बनाएं जिसमें इकाई के स्थान पर 1
और दहाई के स्थान पर तीन हो। तो दी गई संख्याओं से हमें पांच अंकीय संख्या बनानी है, जिसमें इकाई के अंक पर क्या लिखना है एक और दहाई पे क्या लिखना है तीन। तो यहाँ एज इट इज इन संख्याओं को लिख देंगे, देन क्या लिखेंगे संख्या कौन सी बन जाएगी 42731। तो यहाँ पांच अंकीय संख्या बनेगी 42731 42731। तो ये था कार्यपत्रक फोर्थ का सॉल्यूशन। इसी तरह हम अन्य कार्यपत्रक के सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।